मंडी के इस वक्त खड़े हुए हैं। साढ़े नाल ने सबका मंत्री जथेदार इंद्रजीत सिंह जी जीरा साढ़े नाल ने जो झोने की खरीद शुरू करवाना इन्हें इन्होंने गलबात करते हैं। हंजी हैदर जी, अज तुसी इत्थे अचे तौर पर आए हो, की कहना चाहोगे? जिहड़ा एक तो किसानों लैके बड़े वड्डे पद्धर से संघर्ष चल रहा वा मौजूदा दौर दे विच पंजाब दे विच भी, तो तुसी इत्थे मंडी दे विच शुरुआत करवाउण आए हो, किवें देखदे हो सारे घटना? पहली तो गल मंडियां दी है कि किसी नूं कोई दिक्कत नहीं आउण दित्ती जाएगी। जदों दी ही कैप्टन साहब की कांग्रेस सरकार बनी है, कभी भी जिमीदारों मंडियां च दिक्कत नहीं आउण दित्ती जाएगी, ऐतकी भी बिल्कुल नहीं आउण दित्ती जाएगी। Okay. ना कोई पेमेंट वालों आएगी, ना कुछ, ना कोई दिक्कत खरीद वालों आएगी। जिमें जिमें झोना आएगा उमें उमें झोना जरा सारा दाना दाना चुकया जाए। जी संघर्ष की तुम गल की है, ये बहुत व्डा संघर्ष पंजाबियों का, हिंदुस्तानियों का, पंजाब का, हिंदुस्तान का एक बहुत व्डा नुकसान होना। जो जे वे व्यापारी ने अडानी अंबानी अर्गे, उन्होंने हथ च ये सरकार खेड रही है। चाहे पहला नोटबंदी का मामला सी, तो नोटबंदी के मामले चो क्या कि बहुत कुछ निकलेगा, तो कुछ नहीं सी निकलिया। कि असी काला धन लियावांगे, 15-15 लाख किसानों के खात्या च पावांगे, वो ना काला धन आया ना किसानों के खात्या च 15-15 लाख रुपया पिया, वो भी एक फराड सी। उस तो बाद GST लाती, सूबियां कोल जिहड़ा पैसा सीधा जांदा सी ते सूबे आपदा काम चलाउंदे सी, वो GST थ्रू पैसा दिल्ली जांदा, दिल्ली तो दिल्ली सरकार पैसे सूबे नूं नहीं दिंदी, सूबे का गला घोटदी है। साडा बहुत वड्डा पैसा जिहड़ा साडा लैण वाला नहीं दिंदा। जिहड़ा ये कानून आया, ये कानून तो यह आ कि इहदे नाल हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। किसान दे सिर ते सारी गल है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, जिहड़ा छोटा व्यापारी वो वड्डे व्यापारियों की गल नहीं मैं कर रहा। ये गल करदा मोदी, विचोले भी नहीं कर रहा, विचोलीए इन्ने माड़े लफ्ज वरत रहा है कि शायद मैं कहना कि उनकी उन्होंने शायद दाखल दूखल कित करवा की लोड़ है। जेडे जेडे लफ्ज आम जोड़े लोग अज आड़त जे तो बिना जट का किसी कीमत नहीं सर सकता। आज गरीब लोग खड़े ने, मजदूर ने, ये की करनगे? गल मैं उदाहरण देना कि डगरू इन्हां दा प्रोजेक्ट एक लगे, उत्थे किसान नू कोई अपना झार लाउण दी लोड़ नहीं, कोई अपना उन्हूं साफ करन दी लोड़ नहीं, ट्राली ले जांदा मशीन उत्थे तुल जांदी है। वो की कहिंदे ने कि तेरा झोना गिला है, तेरी कणक गिली है, इनू तो इन्ना कट लगे। जट की मजबूरी है कि ना तो वापस लिया होंदा, वो कट लवा के घर नूं आ जांदा, पर उत्थे कोई मजदूर नहीं काम करता। ये जिहड़ा मजदूरां दा पेट भी जिहड़ा वो धोण लग्गा, हर एक वर्ग का नुकसान होण लग्गा। मैं कहना पंजाबियों का, चलो पंजाबी एक बहादुर ने हमेशा जे देश भी आजाद कराया तो उन्दे विच 80% पंजाबियों दीआं कुरबानियां ने। मैं काले पाणी गया जे उत्थे जाके तुसीं पढ़ो, जेल दे विच ते उह सब तो वध कुरबानियां जिहड़ियां पंजाबियों दीआं ने, खास करके सिखां दीआं ने, देश नूं आजाद कराउण दी। हुण वी इह जिहड़ा मोर्चा है ये पंजाबियों ने ही अगे हो के, खास करके किसानों की गल करांगा कि उन्हें पहल की है। अज सानू सारिया गलों तो उपर उठ के, कोई कितों, मैं तो कहना कोई कितों मुड़ के आया, कोई दिल्लियों मुड़ आया उन्हें पता लग गया, कोई कितों मुड़ के आया, कितों मुड़ के आया, इन्हां गलों बिल्कुल सानू नहीं पैना चाहिए। अज इलैक्शन मुद्दा नहीं, अज कुछ लोग करते हैं कि इलैक्शन मुद्दा समझी बैठे, इलैक्शन मुद्दा नहीं, ये पंजाब नूं बचाउण दा मुद्दा है, हिंदुस्तान नूं बचाउण दा मुद्दा है। जे किसान नहीं बचेगा, कोई दुकानदार, अज मेरी जेब च पैसे है नहीं तो मैं जुत्ती पालश क्यों करावांगा? याद होगा अपने, तुहानूं तां नहीं याद, सानूं भी नहीं याद, साडे बुढ़िया दीआं जुत्तियां नूं 7-7 टांके लगे होंदे सी, क्यों लगे होंदे सी? कि पैसा है नहीं सी। कपड़े बीबियां टाकियां ला देंदियां होंदियां सी, जिथे कितें मोरी हो जाणी ना उत्थे टाकी ला देंदियां सी, क्यों सी? पर जिहड़ा ये गरीब, ये जिहड़ा देश सी जदों भुखा मरन लगा तो साडे देश ने बाहरले देशां के हत्थ अड्डिया, तो फिर पंजाबी पता तो लग गया ना, वो 3 महीने ये गल्लां करदे रहे। असीं कहां, मैं तो यह कहना कि इन्हां गल्लां दा किसे नूं, ना कांग्रेस नूं, ना आम पार्टी नूं,
ना सानू जा किसे नू अधिकार नहीं कि असी ये गल्लां करी नहीं करनियां चाहीदी। अज जे असी पंजाब नू बचाउणा ते साडे नू आपदी लड़ाई नहीं लड़नी चाहीदी आस विच। सानू निशाना बनाउणा चाहीदा कि असी तीर कित्थे मारना, असी उधर नू मूंह करिए, असी चंडीगढ़ नू ना करिए। जे असी चंडीगढ़ लड़ाई लैके जाणी, असी कांग्रेस नाल लड़नी है, सरकार नाल लड़नी, लड़ाई हैगी है दिल्ली दी। सानू सारयां नू दिल्ली लैके जाणा चाहीदा। साडा यूथ कांग्रेस दा दिल्ली लैके गया, बकायदा तौर पर ट्रैक्टर लिजा के उत्थे साड़िया है, और प्रधानमंत्री नू ट्रैक्टर का ना लैना पिया, भावें उन्हें विरोधता करके ही लिया, पर उन्दे दिमाग च तां चढ़ी है ना भी इह दिल्ली तक पहुँच गए। जे ने किसी ने जे कल्ले ही लड़ना सी कहने कट्ठे लड़ो, असी कहने सारे कट्ठे रल के लड़ो। कैप्टन साहब ने कहा जे तुसी मैनू अगवाई दोगे मैं अगवाई भी करन तैयार हाँ, जे मैनू कहोगे पिछे लग के चलना मैं पिछे लग के भी चलन तैयार हाँ। जिहड़ा अगवाई करेगा ही उन्दे नाल हाँ नाल हाँ, पर एक दूजे ते तीर चलाउणे बंद करो। निशाना अपना उत्थे है, अपना निशाना नहीं, ना तो इहदे च कैप्टन साहब ने कुछ किया ना इन्हां कुछ किया। ये तो एक मारू नीति जिहड़ी बीजेपी की, बीजेपी की एक मारू सोच है, मारू नीति है, वह नीति के आधार पर फैसले हो रहे हैं। ये अजे होर भी फैसले होने से ठीक है, असी वधाई देने किसानों वधाई देने, पंजाबियों कलाकारों वधाई देने। ऐसे सैशन च होर फैसले होने से जदों ये रौला पै गया तो वह फैसले मोदी ने बंद कर दिए ने। ये अज साडी जित है, जिहड़ा फैसला बिजली का आने वाला सी कि बिजली भी सेंटर सरकार आपकी मोटर चलाने लगी सी, वह भी बिल आना सी, पर जदों इन्हां बिलों की विरोध आई तो उन्होंने नहीं लिया। इसलिए जित भी है साड़ी, पर लड़ाई नू लड़ांगे जित्तांगे, और पंजाब हमेशा जितदा आ, किसी भी वड्डी कुरबानी करनी पै करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये सन जथेदार इंद्रजीत सिंह जीरा जी, तुसीं सारी गलबात सुन चुके हो। इन्हां दा कहना कि इस वक्त सानू जिहड़े वा मुद्दे जिहड़े वा राजनीतिक मुद्दे नहीं बनाउणे चाहीदे, सानू किसानी दे नाल रल के जिहड़ा वा ये संघर्ष जिहड़ा वा ये लड़ना चाहीदा। तपदा सच न्यूज़ तों रिपोर्टिंग कमलजीत सिंह मरहाणा।